हेलो एवरीवन, आज मैं आया हूँ अपनी आंटी सरिता भदौरिया जी के यहाँ, जो कि प्रेजेंट इटावा की एमएलए हैं। तो चलते हैं, लेते हैं उनसे आशीर्वाद। तो अभी मैं हूँ उनके आवास के बाहर और यहाँ पर मुझे मिले प्यारे सब्सक्राइबर्स। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी कर लीजिए। नहीं। अंदर चलते हैं। साढ़े बारह की बोली, साढ़े बारह। हाँ दादी, हैंड ओवर करो, चाय भी ले आओ। अभी स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट कर ही नहीं पाएंगे। अजय भाई, अंकर, हम भेज देंगे फोटो। चल, आइए तू भी नरा। ले। आप उठ लिया दादा आपका। चाय भी हमें ये नहीं दे रहा है, जा सके जय चलाता है, उल्टो ना करो, हमें चलाए वो आदमी। पहले सब लोग खड़े हो जाओ। हाँ जी, आप देखो। आइए सामने। बैठ जाओ। नहीं बैठ जाओ। भैया इधर आओ। चंदन रह गए। आप गन पकड़ लो। नहीं नहीं गन नहीं, कैसी बात कर रहे हैं। तो पीछे वाले सब लोग आपकी अंकल हो गई फोटो। तुम्हारे संग नहीं में तो भाई आए नहीं। स्टार्ट करो बटन दबा दे। बस ये स्टार्ट कर। अरे मीठा तो ले आओ। ले एक फोटो ले ऑडियो। अरे पहले युवा नेता जाएगी बुजुर्ग जी युवा फोटो चा भी नहीं चाहिए। चल गई तो और आप फोटो ले। मतलब पावर बढ़ जाता है अभी। अरे जो हमने यमुना एक्सप्रेस वे पे देखी जी, वही वाली बाइक है। हमें लग रहा है इस टाइम में देखी हमने कावास आगे की बीएमडब्ल्यू की बाइक है जो थी जी। आंटी कल 10 बजे
स्वीट में किसके लिए जैसा कि लोग कहते हैं, ऊपर वाला सफलता भी उसी को देता है जिसे काबिलियत होती है उसको संभाल के रखने की, और जो सफलता पाने के बाद भी धरती से जुड़े रहते हैं। ऐसा ही उदाहरण है हमारी आंटी, इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी उन्होंने पूरा टाइम दिया।